नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा धवल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अब तक 8 नोटिस आ चुके हैं और अरविंद केजरीवाल एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। ईडी दरअसल कथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है और हर बार मुख्यमंत्री यही कहते हैं कि ईडी के जो नोटिस हैं वो गैर कानूनी हैं। जिसके बाद ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट चली गई थी और ईडी की इसी शिकायत पर जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने एक समन अरविंद केजरीवाल को इशू किया था। अब राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जो समन अरविंद केजरीवाल को इशू किया गया था, उस समन को अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज कर दिया है और वो एक बार फिर से कोर्ट पहुंच गए हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं अरविंद केजरीवाल इस बार कोर्ट क्यों पहुंचे हैं। ईडी की शिकायत पर राउज एवेन्यू की मजिस्ट्रेट कोर्ट के नोटिस को अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू की सेशन कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब तक 8 नोटिस जारी किए हैं, लेकिन केजरीवाल एक बार भी पेश नहीं हुए। इसी वजह से ईडी केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट पहुंची थी। ईडी की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया था। तो प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर राउज एवेन्यू की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए नोटिस इशू किया था और अब इसी समन को अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू की सेशन कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। खबर यह है कि कुछ देर में इस मामले पर सुनवाई शुरू हो जाएगी और उससे जुड़ी जो भी बड़ी खबर सामने आएगी वो हम आपको बताएंगे। दरअसल कथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है ईडी और इसी वजह से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 8 नोटिसेस इशू किए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार ये कह देते हैं कि ईडी के जो नोटिस हैं वो गैर कानूनी हैं, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और वो ईडी के नोटिस पर अभी तक एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। जब 7वें नोटिस पर अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, तब ईडी ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद ईडी की इसी शिकायत पर राउज एवेन्यू की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। अब 16 मार्च में काफ़ी वक्त कम बचा है और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन को चैलेंज कर दिया है सेशन कोर्ट में। फिलहाल अब इस मामले पर क्या फैसला आता है उसका इंतजार है। जैसे ही फैसला आएगा वो बड़ी खबर आपके साथ हम साझा करेंगे। दिल्ली तक पर।